और अब रायपुर की बात कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा के 21 प्रत्याशियों की बैठक जारी है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन और पूर्व सीएम रमन सिंह की मौजूदगी में सभी 21 प्रत्याशियों को जीत का मंत्र दिया जा रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी प्रत्याशियों के साथ चुनावी टिप्स और विधानसभावार ग्राउंड स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे हैं। तो बीजेपी के 21 प्रत्याशियों की पहली बैठक है ये, जिन 21 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त ये मीटिंग चल रही है, प्रत्याशियों से मंथन हो रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक ले रहे हैं और सह प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, खासतौर पर वो 21 नए उम्मीदवार जो कि उतरने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की 21 विधानसभा सीटों से बीजेपी की तरफ से, उनकी ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। और ये 21 प्रत्याशी, इनकी बैठक चल रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन और पूर्व सीएम रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद है। स्वप्निल गोरखेड़े का रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ छन छन कर खबरें बैठक से बाहर आ रही हैं। आज देखिए, जो भाजपा के 21 प्रत्याशी हैं उनकी बैठक अभी जारी है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और जो प्रत्याशियों प्रचार की क्या उनकी रणनीति है इस पर जो है मंथन किया जा रहा है। और इस बैठक में सभी 21 प्रत्याशियों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाएँ और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करें। जो किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी वर्ग के लोग हैं उन सभी से ज़्यादा मेल मुलाकात करें और यही निर्देश जो है आज की बैठक में दिए जा रहे हैं। और किस तरह उनको जो है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ जनता को मिल रहा है उसको जनता को बताया जाए। और 15 साल जो छत्तीसगढ़ की यहां पर सरकार थी तो उस समय क्या क्या विकास के काम हुए, इन ये जो है निर्देश दिए जा रहे हैं। इस बैठक का मुख्य जो एजेंडा यही है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाएं और बूथ लेवल को मजबूत करने का काम हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाए, तो इसको लेकर जो है बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही जो है आने वाले दिनों में अब जहाँ पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है तो वहाँ पर केंद्रीय नेताओं के भी दौरे होने हैं, वहाँ पर भी प्रचार प्रसार के लिए जो छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता है वो भी पहुँचेंगे, तो इसको लेकर भी एक तरह से मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। और प्रत्याशियों को क्या क्या साधन की पार्टी की तरफ से जरूरत है तो इसको लेकर भी जो है प्रत्याशियों से जो उनकी जो सुझाव है वो कहीं ना कहीं इस बैठक में लिए जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से यही है कि अब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया, 3 महीने बचे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में रहे और भाजपा के पक्ष में लहर बनाने की कोशिश करें, इसको लेकर बैठक में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल स्वप्निल, और जैसे आपने कहा कि इसमें दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इस बीच ये बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। कितने बजे तक इस बैठक को चलना है और क्या कुछ जानकारियां मिल पा रही है, कोई अपडेट इसके अलावा? आज देखिए, बैठक अभी फिलहाल जारी है और करीबन ये बैठक जो है अंतिम दौर में है। इसके बाद एक बड़ा जो है अपडेट ये देना चाहूँगा कि जो सतनामी समाज के धर्मगुरु है बालदास, वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं, उसको लेकर भी भाजपा ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है। बालदास की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों में उनका सीधा सीधा प्रभाव है और उनके आने से भाजपा को कहीं ना कहीं मजबूती मिलने जा रही है। बालदास 2018 में जो है कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनके बेटे खुशवंत साहेब भी जो है आज भाजपा में प्रवेश करने वाले हैं, तो भाजपा को एक बड़ी मजबूती उनके जो है भाजपा प्रवेश से मिल सकती है, तो इसको लेकर भाजपा ने बड़े कार्यक्रम की तैयारी की है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ सह प्रभारी नितिन नवीन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, तमाम नेता मौजूद रहेंगे, पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे और अब से कुछ देर बाद ये कार्यक्रम होना है, तो इसको लेकर जो बालदास है वो कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय पहुंचने वाले हैं, उनके समर्थक बड़ी संख्या में वो भी भाजपा की सदस्यता आज लेने वाले हैं, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम इसके बाद होने वाला है। बिल्कुल स्वप्निल, यानी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए बड़ा दिन आज के लिए, और आप नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे।